नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जाने कब है शुभ मुहूर्त। अब आधार कार्ड करवाना और उसमें सुधार करवाना होगा और भी आसान। बिहार के सभी टोल प्लाजा पर कट रहा ऑटोमेटिक ई चालान। बिहार के जिले में 29 अगस्त को लग रहा रोजगार मेला। अब राशन कार्ड पर चावल की जगह मिलेंगे ये अनाज। सूर्य कुमार यादव से क्रिकेट सीखेंगी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली मनु भाकर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तकनीकी सहायक तकनीशियन बी समेत कई पदों पर निकली भर्ती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तकनीकी सहायक तकनीशियन बी सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जाने कब है शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये पर्व आज के ही दिन मनाया जा रहा। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर खत्म हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर शुरू होंगे और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त को सुबह 12:44 तक रहेगा। व्रत पारण 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राजधानी पटना में भी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल पूरी तरह से सजाया गया है। अब आधार कार्ड बनवाना और उसमें सुधार करवाना होगा और भी आसान। अब बड़ी ही आसानी से आधार कार्ड बनवाना और उसमें सुधार करवा सकेंगे। डाक विभाग ने हर ब्लॉक में आधार पॉइंट खोलने का फैसला लिया है, जिससे राज्य भर में आधार पॉइंट की संख्या 903 हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 403 आधार पॉइंट हैं, जिनमें 500 नए जोड़े जाएंगे। ये काम 30 सितंबर तक पूरा होगा। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने जानकारी दी है कि आधार संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पॉइंट की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही मोबाइल किट की संख्या 32 से बढ़ाकर 72 कर दी गई है, जिससे कैंप लगाना आसान होगा। सरकारी और निजी स्कूलों में प्रतिदिन 100 बच्चों का आधार बनवाया जाएगा। इसके अलावा राज्य भर में 534 प्रखंडों के सरकारी स्कूलों में आधार पंजीयन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं और आधार कार्ड वाले बच्चों को FLN और LEP किट वितरित की जा रही है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। इस जिले में एक से बढ़कर एक धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल और कई एडवेंचर जैसी चीजें जो प्राकृतिक खूबसूरती की छटा बिखेरती हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि आश्रम, त्रिवेणी संगम और बावनगढ़ ही, भेखना ठोरी, बेतरवा आश्रम, नंदनगढ़, चानकीगढ़ और लौरिया का अशोक स्तंभ, सुमेश्वर का किला, पक्षी विहार आदि शामिल है। यदि आप कभी पश्चिम चंपारण जाते हैं तो इन जगहों पर घूम सकते हैं। पटना के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 580 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का होगा विस्तार। पटना के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 580 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ये काम सितंबर महीने से शुरू किया जाने वाला है। इसके लिए समन्वय का काम जिला शिक्षा पदाधिकारी विभिन्न एजेंसियों, प्राचार्य और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करेंगे। साथ ही प्रखंडवार प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा उप विकास आयुक्त करेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग की बैठक करते हुए ये निर्देश जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि विभिन्न विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त वर्ग कक्षों, बाउंड्री वॉल्स, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा, विद्युतीकरण, बोर्डिंग, हैंड वॉश स्टेशन, किचन, बेंच डेस्क की सुविधा, भवन की वृहद मरम्मति एवं जीर्णोद्वार, कार्यशाला एवं प्रयोगशाला के उपयोग की सामग्री, नया विद्यालय भवन, परिसर विकास आदि कार्य करवाना है।
बिहार के सभी टोल प्लाजा पर कट रहा ऑटोमेटिक ई चालान। ई डिटेक्शन के माध्यम से बिहार के सभी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक ही ई चालान कट रहा है। इसलिए जिन भी लोगों के वाहन का बीमा, प्रदूषण और फिटनेस फेल है, वे यदि टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उन्हें अभी से ही सतर्क होने की जरूरत है। ई चालान कटने के बाद संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि ई डिटेक्शन प्रणाली से राज्य के सभी 32 टोल प्लाजा को जोड़ा गया है। आपको बता दें कि यह व्यवस्था शुरू होने के बाद बीते 18 दिनों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत 12,000 से भी अधिक गाड़ियों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चालान काटे गए हैं। मालूम हो कि सड़क दुर्घटनाओं में एनएच पर होने वाली मौत पर नियंत्रण करने के लिए इसे लागू किया गया है। नेशनल हाईवे बनाने के मामले में अन्य राज्यों से देश में पिछड़ा बिहार। बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी हो गई है, फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पीछे है। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 6,132 किलोमीटर है, जबकि देश भर में ये 1,50,000 किलोमीटर के करीब में है। 2005 में बिहार की हिस्सेदारी 5.4% थी, लेकिन अब घटकर 4.04% रह गई है। इसका कारण ये है कि परियोजनाओं का लंबित रहना और केंद्र से मिलने वाली राशि का पूरी तरह से खर्च नहीं होना। नेशनल हाईवे के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। बिहार में सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार को यदि विकसित बनाना है तो एनएच निर्माण की रफ्तार तेज करनी होगी। खेल दिवस के अवसर पर बिहार में आज से शुरू होंगे कई कार्यक्रम। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो 26 से 31 अगस्त तक चलेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी BSSA और राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा इस इवेंट की योजना बनाई गई है। शुरुआत में सभी 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल गेम्स होंगे और विजेता स्टेट लेवल में भाग लेंगे। इसके अलावा बिहार में पहली बार वॉलीबॉल स्टेट लीग और बिहार स्टेट डिविजनल ईस्ट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसके अलावा खेल दिवस पर राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा जो 23 खेल विधाओं के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा। साथ ही खेल सम्मान समारोह में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतने वाले एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। राजगीर खेल अकेडमी और बिहार के पहले हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन भी होगा, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शनी मैच होगा। स्पोर्ट्स डिस्कवरी डे का आयोजन भी होगा, जिसमें बिहार के अनाथालयों से 200 से अधिक बच्चे भाग लेंगे। बिहार के इस जिले में 29 अगस्त को लग रहा रोजगार मेला। दरभंगा के संयुक्त श्रम भवन में 29 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये रोजगार मेला सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आयोजित होगा। इसमें 18 से 32 वर्ष तक के युवा रोजगार के लिए भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा और मधुबनी में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के पास दो पहिया वाहन और लाइसेंस होना जरूरी है। रोजगार मेले में शामिल होने से पहले NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर निबंधन जरूर करवाएं। साथ ही रोजगार मेले में अपने साथ जरूरी कागजात जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य प्रमाण पत्र लेकर आएं। बिहार में रूटों पर जल्द दौड़ेगी 4 वंदे भारत। 10 घंटे का सफर 5 घंटे में होगा पूरा। 2025 तक बिहार में रेलवे पटरियों पर 4 और वंदे भारत दौड़ती दिखाई देगी। पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे ताकि वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव किए जा सके। कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वंदे भारत के परिचालन से 10 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में पूरे किए जा सकेंगे। इन वंदे भारत ट्रेनों का संचालन पटना से मालदा और टाटानगर के लिए, गया से कोलकाता और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए किया जाएगा। अब राशन कार्ड पर चावल की जगह मिलेंगे ये अनाज। केंद्र सरकार भारत में गरीब, दलित और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें चावल प्रमुख रूप से शामिल है। अब सरकार इस योजना में बदलाव करने जा रही है। चावल की जगह राशन कार्ड धारकों को गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले दिए जाएंगे। ये कदम महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
जिससे लोगों को राहत मिलेगी और उनके खाने में पोषण का स्तर बढ़ेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड का होना जरूरी है। गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आप स्थानीय ब्लॉक या आपूर्ति विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज के साथ सही जानकारी भरकर आवेदन पत्र अपने नजदीकी राशन दफ्तर में जमा करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त 45,000 पदों के अलावे 13,000 नए पदों पर होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने रिक्त 45,000 पदों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत 13,000 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की समीक्षा और निर्देशों के आधार पर विभाग ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। अगले महीने तक इन रिक्तियों का आकलन कर बहाली संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। इन नियुक्तियों में आयुष डॉक्टर, मेडिकल अफसर, स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थाल्मिक सहायक, लॉजिस्टिक मैनेजर, ब्लॉक अकाउंटेंट और प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक जैसे पद शामिल हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 तक इन पदों पर नियुक्तियों की योजना है ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अमेरिका में अपनी छुट्टी मना रही नेहा शर्मा ने साझा की अपनी तस्वीरें। बिहार से अपना संबंध रखने वाली नेहा शर्मा इन दिनों अमेरिका घूमने निकली हैं। अमेरिका में अपने छुट्टी मनाते हुए उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियोज साझा किए हैं। इन तस्वीरों में नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और कैंडल बुझाती नजर आ रही हैं। कई तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही उन्होंने कई मजेदार कैप्शन भी दिए हैं। एक कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं जीवन का जश्न मना रही हूँ। एक तस्वीर में अपने भतीजे से के साथ वे इंजॉय करती दिखाई दे रही हैं। आखिरी तारीख से पहले इस तरह से अपने आधार कार्ड को कर सकते हैं अपडेट। आधार कार्ड अपडेट करने की तारीख 14 सितंबर को नजदीक आ रही है, जो कि फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने का चौथा मौका है। यदि आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और इसे अब तक आपने अपडेट नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है इसे अपडेट करने का। आधार कार्ड को आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI ने एक्स पर पोस्ट करके अपील भी की है कि 14 सितंबर से पहले अपने आधार को अपडेट करवा लें। इसे अपडेट करने के लिए आपको पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी, जैसे पैन कार्ड और वोटर कार्ड। आधार कार्ड के लिए आमतौर पर ₹50 शुल्क लगते हैं, लेकिन 14 जून तक ये सेवा फ्री है। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालें, OTP के जरिए लॉगिन करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सबमिट करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। बिहार के उदय कुमार ने बैसाखी के सहारे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। बिहार के रहने वाले दिव्यांग उदय कुमार ने बैसाखी का सहारा लेकर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 19,341 फीट ऊंची इस चोटी पर चढ़ाई करते समय उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया और इसके साथ ही इतिहास रचा। 2015 में एक रेल दुर्घटना में इनका एक पैर कट गया था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। वो अब तक 11 राज्यों में 75 से अधिक मैराथन में भाग ले चुके हैं और उनका अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट है। उदय बिहार के सारण के रहने वाले हैं। उनके सदम्य साहस ने बिहार को गर्वित किया। बिहार के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। आज एक बार फिर से प्रदेश में कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण भागों में किया दो स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। वहीं समस्तीपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, गया और नवादा में किया दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। डार्क पार्सल नाम के शराब तस्कर के गिरोह का पटना पुलिस ने किया पर्दाफाश। पटना जिला उत्पाद विभाग ने रविवार को डार्क पार्सल नाम की शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। विभाग ने 3 गाड़ियों से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद की है, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। छापेमारी के दौरान एक डार्क पार्सल वैन, एक इनोवा और एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है। इनमें 5020 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के 116 कार्टन और 450 लीटर देसी शराब शामिल है। तस्करों ने गाड़ियों में विशेष तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की योजना बनाई थी। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 500 से भी अधिक अवैध हथियार को लेकर सभी जिले के DM को मिला ये निर्देश।
एक UIAN यानी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर अब दो से ज्यादा हथियार रखना गैर कानूनी है। लेकिन राज्य में 551 ऐसे लाइसेंसधारी हैं जिनके पास तय संख्या से अधिक आर्म्स है। गृह विभाग ने इन शस्त्रों को अवैध मानते हुए नजदीकी थानों में जमा कराने का आदेश जारी किया है। इन 551 शस्त्रों में सबसे अधिक 162 पटना में है, जबकि अन्य जिलों जैसे मुंगेर, सिवान, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में भी संख्या दहाई अंकों में है। गृह विभाग ने जिलों के DM को निर्देश दिया है कि ये शस्त्र थाने में जमा कराते हुए NDAS पोर्टल पर दर्ज कराएं। शस्त्र संशोधन एक्ट 2019 के अनुसार एक UIN पर एक व्यक्ति केवल 2 हथियार रख सकता है। इसके उल्लंघन पर शस्त्रों को तुरंत जमा करवाना अनिवार्य है। भारत में जनगणना को लेकर अमित शाह के बयान पर राजद ने दी प्रतिक्रिया। भारत में जनगणना कब करवाया जाएगा, इससे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना उचित समय पर करेंगे और जब तय करेंगे तो मैं घोषणा भी करूंगा कि ये कैसे और कब होगा। अमित शाह के इस बयान के बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए ANI से बातचीत के दौरान कहा है कि 2021 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है, ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है। क्यों रोके हुए हैं, चिंता होती है, संदेह होता है कि इतना विशाल देश जहां बड़े से बड़े मुश्किल दौर में भी जनगणना नहीं रुकी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बल्कि एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर समाज की हकीकत सामने आ जाएगी। अगर हम ये हासिल नहीं करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5% से 3% लोग 96% लोगों की तकदीर का लगातार फैसला करते रहे। जन सुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशांत किशोर का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। बीते दिन जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल पटना के बापू सभागार से आयोजित जन सुराज महिला संवाद कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जन सुराज 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी। आगे उन्होंने कहा कि 2030 में जब बिहार में चुनाव होंगे तो जन सुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके 70-80 महिलाओं को नेत्री बनाने का अभियान जारी रखा जाएगा। अनंत सिंह ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। बीते दिन बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब आधे घंटे की रही। मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिले थे। सीएम बोले हैं कि काम हो जाएगा। इस दौरान अनंत सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से की ये अपील। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हाजीपुर के दिग्गी में हाल ही में वार्ड पार्षद पंकज राय के मर्डर के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने मृतक शिवानंद यादव के परिजनों को भी ढांढस बंधाया और कहा कि वे इस कठिन समय में उनके साथ हैं। पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया, साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव केवल ट्वीट कर रहे हैं जबकि हाजीपुर में अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर अपराधियों का घर बन चुका है, जहां पुलिस माफिया को संरक्षण देती है और निर्दोष को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से हाजीपुर को अपराध मुक्त करने की मांग की और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी आलोचना की। सूर्य कुमार यादव से क्रिकेट सीखेंगी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर अब क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। उन्होंने इसके लिए भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव से मुलाकात किया है। सोशल मीडिया पर मनु ने बताया कि वे सूर्य कुमार से नए खेल की तकनीक सीख रही हैं। मनु फिलहाल 3 महीने के ब्रेक पर हैं और पेरिस ओलंपिक से 2 मेडल जीतने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिससे वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई। मनु ने निशानेबाजी से पहले मार्शल आर्ट, जूडो और मुक्केबाजी जैसे खेल भी खेले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने निशानेबाजी को ही अपनाया। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1910 में नोबेल शांति पुरस्कार से मदर टेरेसा सम्मानित की गई थी। आज के दिन वर्ष 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला किया था। आज के दिन वर्ष 1987 में भारतीय निशानेबाज जीतू राय का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1972 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का जन्म हुआ था।
नए संचार नियम के नाम पर वायरल हो रहा ये मैसेज। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह की खबरों को शेयर करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी है 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 16 अगस्त, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। इसका सही उत्तर है 19 अगस्त। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है नेपाल। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 344 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 362 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 372 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 344 किलोमीटर। बिहार का आर्थिक आधार क्या है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है पर्यटन, ऑप्शन डी है खदान। इसका सही उत्तर है कृषि। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है, राकेश मिश्रा, जीतू कुमार गिरी, विनय राज, सोनलाल प्रसाद, उमेश ऋषिदेव, अब्दुल मनन, जितेंद्र ठाकुर, पंकज कुमार दास, राज किशोर महतो, मोतीलाल कुमार, नुनू गोलू कुमार, मुकेश कुमार, शैलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्रशांत किशोर ने महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेने का मौका दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।